सुबह भगवान के संध्या क्रम सूर्य भगवान को भी अर्घ दो तो सौभाग्यवती नारियम श्रृंगार करे। ज्यादा बढ़िया श्रृंगार ना कर सको तो मध्यम वाला कर लेना, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, हाथ में चूड़ा, गले में मंगल सूत्र और पांवों की अंगलियों में बिछवे होने चाहिए। और पुरुष के भी पांच संस्कार बताए हैं, सिर पर चोटी सिखा, कंधे पर सूत्र यज्ञोपवीत, माथे पे तिलक, हाथ में मौली कलावा और गले में रुद्राक्ष की या चंदन की माला आदि पहन। मगर पुरुषों के या माथे पे चोटी होती नहीं और बिना चोटी के ही आज घर घर की प्रवृत्ति खोटी होती जा रही है। मेरी माता बहनें तो बहुत अच्छी हैं, भले आजकल की ज्यादा पढ़ लिख करके चोटी का बाल ही कटा देती है। एक बार तो मैं भी फंस गया, एक देवी जी के बाल कटे हुए थे, टी शर्ट और जींस पहनी थी, चश्मा लगाई थी। जैसे ही वो मुझसे मिलने आई, मैंने कहा भाई साहब आप कहां से आए? बोले मैं भाई साहब नहीं हूं, मैं बहन जी हूं, मुझको क्षमा करना। ऐसी बहन जी के दर्शन मुझे पहली बार हुई है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। ध्यान देना, एक समय आया था हमारे जमाने में भी, तुम्हारे जमाने में आया कि नहीं, हमारे जमाने में देखा था। यादव जी को तो पता होगा और डॉक्टर साहब को भी पता है कि पुरुष लोग तो बाल बढ़ाने लगे थे, बड़े बड़े बाल, जींस नहीं पहनते थे, वेलवेट पैंट पहनते थे, बड़े बड़े बाल पुरुषों के, और महिलाओं ने बाल छोटे कर दिए। तो पुरुषों को तो बहन जी कहने लगे और बहन जी को भैया कहने लगे। एक पत्नी ने तो अपने पति को भैया कह दिया। हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त तो हो गया। फिर भी आज बहुत महिलाएं बाल रखती चोटी बनाती है, ये चोटी शिखा कहलाती है। देखना कोई नगर का मंदिर बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने या मस्जिद बने, देखना उन सभी की चोटी बनाई जाती है, शिखा बनाई जाती है। बिना चोटी के कोई भी धर्म स्थल नहीं बनता है और बिना चोटी के किसी नारी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है और बिना चोटी के किसी पुरुष का धर्म कर्म पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इस चोटी से ही परमात्मा की रिफ्लेक्शन आती है। मैं अपनी भाषा में इस चोटी को एंटीना कहता हूं। 1,00,000 रुपए की LCD लगवा लो और आप एंटीना ना लगाओ तो बिना एंटीना के LCD काम करेगी क्या? बोलो ना। बिना एंटीना के जैसे आपका कोई टीवी LCD काम नहीं करेगा, चाहे विज्ञान कितना आगे बढ़कर इंटरनेट बना दिया है, पर देखना इंटरनेट के खंभों पर भी चोटी बनी हुई है। जिस जगह पर चोटी होती है पुरुष के सिर पर, वो कपाल की जगह होती है। अरे जिंदों की बात छोड़ दो, मरने वाले को भी अग्नि में जलाओगे ना
तो उसकी भी कपाल क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे हिंदू समाज का, सनातन धर्मियों का, जिन्होंने इस कपाल की महत्ता को नहीं समझा। जिस दिन से पुरुषों ने चोटी रखना बंद किया है, देखना उस घर में विवाद होता है, संवाद होता है, क्योंकि बिना चोटी वाले व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध होगा, लोभ होगा, काम होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, और बुद्धि भी कमजोर हो के कई बीमारियां उसको घर में, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। कभी किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर देखना, आपको चोटी की जगह जो स्थान मिलेगा बड़ा नरम होगा, है ना। कपाल के द्वारा ही शरीर से बाहर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो कपाल के द्वारा जाती है। कान में भगवान ने बाल क्यों उगाए, जरूरी था क्या? नाक में बाल क्यों उगाए, आंखों पर बाल क्यों दिए? क्योंकि ये बाल बाहर के कचरे को रोकने का काम करते हैं, है ना। ऐसे कपाल पर चोटी अगर होगी तो चोटी के एंटीना से सकारात्मक ऊर्जा तो आपके सिर से लेके अंदर तक चली जाएगी, मगर चोटी के बालों का गुच्छा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की बाहर रखता है, अंदर जाने नहीं देता है। और अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जरा खुद देखना, जिन लोगों के सिर पे बचपन से चोटी होगी वो किसी जाति के हो, ये नहीं कि ब्राह्मण ही चोटी रख सकता है। हर हिंदुस्तान का सनातन धर्मी हिंदू समाज को चोटी रखने का अधिकार है, ताकि दूर से समझ में आ जाए कि ये हिंदू है और धर्मात्मा है। किसी रेल के डिब्बे में तुम यात्रा कर रहे हो और सामने बैठा हुआ हट्टा कट्टा नौजवान के सिर पे तुम्हें चोटी और तिलक और कलावा दिखाई दे जाए तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी ना कि ये चोर नहीं हो सकता। और सिर मुंडा हुआ, लाल आंखें, जींस पहना हुआ, चश्मा लगाया हुआ मिल जाए तो घबराहट शुरू हो जाएगी।